हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कुछ फाइव टिप्स मैं आपको इस तरीके का देने वाली हूँ जहाँ से आप बच्चे को बड़ी ही आसानी से आप पढ़ा और लिखा भी सकते हो। और वो फाइव टिप्स अगर आपको आ गया, अगर आप समझ गए, अगर इस चीज़ को अगर समझ गए तो आपका पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 घंटे की पढ़ाई मात्र आप 15 मिनट में आप कंप्लीट करवा सकते हो। ये मेरा चैलेंज है और बहुत ही इस चैलेंज को मैं इसी कारण कह रही हूँ क्योंकि मैं इस ट्रिक को मैं आजमा चुकी हूँ और वही मैं आपके सामने भी ला भी रही हूँ। और इसके लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से जो भी नए मैं वीडियोस डालती हूँ उसके आपके नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँच जाएंगे, बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये पाँच जानकारी जो है मेरे पास वो मैं आपको देते चले जाती हूँ और उसे ध्यान से पढ़िए। और चाहे इसको चैनल को आप अभी स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। थोड़ा अगर वीडियो लंबा भी होता है तो उसे आप देखिए और समझिए जो आसानी से आपके बहुत ही काम आ सकता है। चलिए तो मैं आपको बताना चालू करती हूँ। जैसे बच्चे लोग अभी के बुक्स में होते हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों ही होते हैं और उस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को एक साथ पढ़ाने का तरीका देखिए मैं बताती हूँ। जैसे ये हम लिखते हैं ए, एक अगर बच्चे को बता देखिए जो है एक लाइन मैंने बताया जैसे, तो ये अगर बच्चों को आप बताओ एक लाइन खींचकर ऐसे सही लिखना बनाना है और बना करके बीच में एक लकीर खींचते हैं तो ये बन गया ए। उसी तरीके से आप स्मॉल लेटर पर ऐसे एक गोल बच्चे को बताना है, गोल गोल, अगर गोल गोल बताओगे तो वो उसके माइंड में बहुत ही अच्छे से पकड़ लेते हैं बच्चे और वो बढ़िया आसानी से पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर हो गया। और देखिए ऐसे सेम बताने, ये एक सीढ़ी, ये लकीर खींचते हैं, ये सीढ़ी बन गया। और सीढ़ी बनने के बाद क्योंकि बच्चे झूले में तो खेलते खेलते हैं और ये देखिए, और ये साथ ही साथ में ये देखिए ये गोल और यहाँ एक लकीर फिर खींच देते हैं तो ये बन गया स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। और साथ ही में अगर यहाँ आप एप्पल का ड्राइंग करते हो, ड्राइंग के साथ अगर बच्चे को अगर पढ़ाते हो अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपको ड्राइंग करके नहीं बता रही हूँ, अगर उस ड्राइंग को फिर बच्चे को भी बोलते हो कि आप ड्राइंग को करो, ठीक है, यहाँ पे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिख देते हो तो यहाँ बॉल और एक एप्पल अगर बना देते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा हो गया बी, ये हो गया बी, देखिए एक लकीर खींच कर गोल 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 बच्चों को बताना है, गोल गोल, अगर गोल गोल आप सब बताते हो तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हो, फिर एक लकीर खींचे और ये गोल तो हो गया बी। देखिए आपका बी कैपिटल लेटर भी बन गया, बी आपका स्मॉल लेटर भी बन गया। उसी तरीके से दोनों कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों आपका बन जाता है। और देखिए फिर आप लिखते हो एक लकीर खींचते हैं फिर एक गोल 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 ये हो गया, फिर एक आप लकीर खींचो फिर यहाँ फिर ये गोल गोल हो गया, ठीक है। तो आप गोल गोल करते जैसे ही करते हो तो ये आपका बी फिर रेडी हो गया, ये फिर बी आपका रेडी हो गया। उसी तरीके से सी भी लिखना है, देखो फ्रेंड्स, देखो आप इसी तरीके से फिर आप गोल कर देते हो तो ये आपका सी हो गया, ठीक है। और फिर आप गोल कर देते हो तो आपका ये स्मॉल लेटर भी सी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से देखिए फिर आपको फिर यहाँ फिर मैं बता रही हूँ, ये फिर मैंने गोल कर दिया, ओके फ्रेंड्स। अब फिर आपने यहाँ फिर एक गोल कर दिया तो ये आपका सी कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से आपने सी फॉर कैट, सी फॉर, समझ गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ ड्राइंग भी आपको करते चले जाना है। देखिए आगे डी फॉर डॉग, तो ये आपका डी फॉर डॉग रेडी। और फिर यहाँ आपको डी फिर लिखना तो ये लकीर खींचे और ये गोल कर दिए, बस डी फॉर डॉग। उसी तरीके से फिर आपको यहाँ फिर एक लकीर खींचना है और ये आपका गोल कर देते हो और साथ ही साथ में एक लकीर और खींचना है फिर एक गोल कर देते हो तो आपका यहाँ डी फॉर डॉग रेडी। चलिए फ्रेंड्स मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अगर बच्चे के यहाँ ड्राइंग के साथ साथ मैंने आपको बताया, दूसरी बात क्या है अगर आप बच्चे को ड्राइंग करवाते हो, ड्राइंग बच्चे करने पसंद भी आते हैं, उनको पसंद भी है ड्राइंग करना और वो ड्राइंग करने में बहुत इच्छुक भी होते हैं तो उनको कलर्स, उनको कलर का भी उनको ज्ञान होगा, वैसे में वो कलर भी येलो ग्रीन रेड आप पिंक जो भी आप बोलो वाइट हर एक कलर को वो पहचानेंगे भी और साथ ही साथ उनका कलर का नाम भी बताते चले जाइए। और तीसरी टिप्स क्या है, देखिए आप अगर उनको स्टोरी पढ़ कर सुनाते हो वो बहुत ध्यान से स्टोरी सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से स्टोरी को ध्यान में रखते हैं और स्टोरी को सुनते भी चले जाते हैं। तो आप कोई सा भी एक स्टोरी बुक से हो या ऐसी हो आप बना करके बोलो, आप उसी चीज़ को अगर इंग्लिश में हो इंग्लिश, हिंदी में हो हिंदी, अगर आप बताते चले जाते हो वो बहुत ही अच्छे से चीज़ को समझ आएंगे, ठीक है।
और देखिए चौथा टिप्स क्या है, जब बच्चे को आप पढ़ाते हो, ठीक है, आप फर्स्ट जैसे पढ़ाते हो, ये जैसे न्यू बुक है मेरे बेटे की, तो ये न्यू बुक का आप समर वेकेशन के समय आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पहले लेके आया था बुक और ये अभी पूरा बुक कंप्लीट हो गया है। इस ट्रिक को मैंने आप आजमा चुका है। देखिए जैसे ए फॉर एंकर, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एक्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेलून, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैट, ऐसे आपको पढ़ाना है उन्हीं के साथ। सी फॉर कप, सी फॉर क्लाउन, सी फॉर कार, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डॉग, ऐसे आपको पढ़ाना। अगर इसी तरीके से आप अगर पढ़ाते अगर हो तो बहुत ही अदम स्माइल के साथ उनको लगना चाहिए कि हाँ वो भी पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये पूरी न्यू बुक है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आर आई एन जी रिंग लिखा है, हेलो, देखिए आर आई एन जी रिंग आपको दिख रहा होगा, आर आई एन जी रिंग लिखा है, तो आपको ये आर आई एन जी आधा बोलना है आधा उसको बोलने देना, आप इसी को बार बार रिवाइज करते चले जाना। आर आई उसको बोलने देना, उनको बोलने देना, एन जी रिंग, फिर डी ओ, डी ओ उनको बोलना है डबल एल, या तो डी ओ उनको बोलो फिर आप बोलो डबल एल, तो हो गया डॉल। बी ई डबल एल बेल, जी ओ ए टी गॉट, एल ओ सी के लॉक, डी आर यू एम ड्रम। देखिए इसी तरीके से आपको बोलना है। देखिए टाइगर, टाइगर देखिए टी आई जी ई आर टाइगर, पी ए डबल आर ओ टी पैरोट, एल ए एम पी लैम्प, ए ए डबल पी एल ई एप्पल, ऐसे बोलना है, ठीक है। आप इसी तरीके से अगर बच्चे को अगर पढ़ाते अगर हैं, विश्वास मानिए वो इतनी जल्दी से कैचिंग, और बच्चों में कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और विश्वास मानिए इस चीज़ को, वो इतनी जल्दी कैच कर लेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से इस पढ़ाई को वो करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे के अंकुर को अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से वो पढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। बी ए बॉल, आर आई एन जी रिंग, डी ओ डॉल, एफ आई एस एच फिश, एस एच आई पी चिप चिमिंग जहाज, जहाज, के आई आई टी किंग, किंग, जी ओ टी आई टी गोट, बी ई बी ई डबल बेल बैमिंग घंटी, जी ओ पी एफ कॉम, सी ओ एम पी को एम बी एम बी एम बी बोले ना टेम्पी बोले, हाँ, एलो 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 सी के लॉकमिन, एलो सी के लॉक लॉमिन ताला, डी वाइया डी आर यू एम ड्रम, ड्रम मीन्स बाजा, कैट या काइट, काइट काइट मीन्स पतंग, हाँ। अब बोलो बी ए डबल बेल, एल ए एम पी एम पी लैम्प, लैम्प लैम्बी मै लैम्प, ये हाँ, इधर एम पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन सेब, ओ ई आर, ओ आर, ओ आर एन जी ई ई ऑरेंज, एल ओ एल ओ एल ओ टी यू एस, टी यू एस लोटस, जिमी कमल, कमल पी ए डबल आर ओ टी ए पैरोट, पैरामिन। देख लिए फ्रेंड्स किस तरीके से पढ़ा, इसी तरीके से आपको भी पढ़ाना है। ये देखिए मेरे बेटा अंकुर जो जिसके वीडियोस मैंने छोटे 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 वीडियोस डालते चले जा रहे हैं, और आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत ही आगे की ओर आप भी चलते चले जाओगे, आपको पता होगा कि किस तरीके से क्या होता है। चलो ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।